अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरफराज स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त राणा सरफराज ठाकुर। तो गाइज आज हम पिक्सार्ट पे एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइज काफ़ी सारे दोस्तों को यही कमेंट आ रहे थे कि भाई आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, वायरल नहीं हो रही। भाई इसलिए वायरल नहीं हो रही कि मैं आहिस्ता समझाता हूँ सबको प्रॉपरली, इसलिए वीडियो वायरल नहीं होती। पहले मैं जल्दी जल्दी बनाता था, वीडियो वायरल हो जाती थी। तो अब से मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, मतलब कि छोटी वीडियो बनाऊँगा, 5 मिनट की, 4 मिनट की, मतलब इससे ऊपर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आगे कोई देखता है नहीं वीडियो पूरी, तो वीडियोज़ वायरल नहीं होती, व्यूज़ नहीं आते। तो बिना टाइम जाए कि हम अपनी पिक्सार्ट के अंदर डाल देते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस काफ़ी सारे दोस्तों को यही कमेंट आते हैं कि हमारे पिक के पिक्सल फट जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पिक्स के पिक्सल नहीं फटेंगे। आपने यहाँ सेट प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ सेटिंग में क्लिक करना है और वहाँ जाके 8 मेगापिक्सल आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना, सिंपल है। और उसके बाद अपनी पिक उठा लें। तो गाइज़ ये मेरी पिक है ओरिजिनल, ठीक है ना। इस पर हम थोड़ी ब्यूटी में सारी एडिटिंग करनी है और कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्यूटी में काम करना है। एक दोस्त का कमेंट आ गया, भाई आप ब्यूटी के टूल हमें प्रॉपरली बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ब्यूटी पे आपने जाना है, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, स्किन टोन पर मैं क्लिक करके अपना खत बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि फिर आप लोगों ने वीडियो देखनी नहीं है, फिर काम ख़राब हो जाता है। तो ये ब्लैक मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसका ब्रश का साइज़, हार्डनेस, ओपेसिटी सब कुछ बढ़ा देनी है, साइज़ कम कर लेना है, ठीक है ना। मैं इधर से लाइंस लगाऊंगा एक किस्म की, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी इसको लाइंस लगा के फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने लेंस लगा लिया। अब आपने करना क्या, अपना साइज़ बढ़ा के इसके ऊपर पेंट कर देना है जल्दी जल्दी। मैं जल्दी जल्दी पेंट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पेंट कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है वाइट पे। तो आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो यहाँ पे आपने दोबारा क्लिक करके इसको दोबारा ज़्यादा वाइट कर देना है, ठीक है ना। ये ज़्यादा वाइट हो गया। तो उसके बाद गाइस आपने एक छोटा सा काम करना है, यहाँ से उसके साइज़ को कम कर देना है थोड़ा सा, और यहाँ से मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ। ओके हो गया। यहाँ से भी थोड़ा सा वाइट कलर लगा देते हैं। तो गाइज ओके हो गया, यहाँ से यहाँ का काम अभी ख़त्म। तो आप चलते हैं एक और टूल है उसमें। तो गाइज यहाँ से आप डन कर लें। उसके बाद गाइज आपने करना क्या है, सिंपल मेथड है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अपने हेयर की एडिटिंग कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा इधर अपने हेयर को ऊपर कर लें। उसके बाद गाइज आपने यहाँ हेयर कलर पे क्लिक करना है और यहाँ आप अपने हेयर में भी आप छोटा सा कलर कर सकते हैं, थोड़ा सा। वो कैसे करना है, इसकी ब्रश की हार्डनेस बढ़ा देनी है, ओपेसिटी और साइज़ कम कर देना है। तो गाइज आप अपने हेयर का कोई भी कलर कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे। तो मैंने ये वाला कलर कर दिया और मैं थोड़ा सा अपने लिप्स पे भी कलर कर लेता हूँ। यहाँ से रेड पे क्लिक किया, उसके बाद हार्डनेस थोड़ी बढ़ा दी, कम कर दी, साइज़ थोड़ा कम कर दिया, और ये लिप्स पे फेस। तो गाइज आप अपने लिप्स का कलर कम ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मैं कम कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता। तो यहाँ से डन। उसके बाद गाइज आपने सिंपल मेथड है, यहाँ पे क्लिक करना है ये वाले पे और यहाँ आपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो गाइज उसके बाद आपने स्मूथ पे क्लिक करना है और हल्का सा हम स्मूथ कर देते हैं। तो गाइज हमने अपनी पिक को स्मूथ भी कर लिया है, ठीक है ना, बाकी सारे काम हो गए हैं। और यहाँ से आप अपने टीथ का कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ आप लेंस भी लगा सकते हो और आईज में डिटेल भी दे सकते हो।
और यहाँ से आप अपने दाग धब्बे जो हैं वो भी चुन सकते हो, ठीक है ना। तो ब्यूटी टूल पे आज पूरी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहले पिक सेव कर लेता हूँ यहाँ से ड्रॉ टूल में जाके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।